हर देश तथा समाज की अपनी एक विशिष्ट भाषा, नीति, रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, धर्म, साहित्य, संगीत, कला कौशल, विज्ञान तथा दर्शन होता है, जिसे हम संस्कृति, कल्चर तथा सभ्यता, सिविलाइजेशन या संक्षेप में सामाजिक विरासत कहते हैं। इस सामाजिक विरासत पर ही उस देश, समाज तथा उसके सदस्यों की प्रगति निर्भर रहती है। अब प्रश्न है कि आखिर वो कौन सा सर्वश्रेष्ठ साधन अपनाया जाए, जिसके द्वारा देश तथा समाज प्रत्येक बालक को सामाजिक विरासत और उसके प्रयोग का आधिकारिक अच्छा ज्ञान दे सके। इस हेतु सभ्य तथा विद्वान पुरुषों ने एक साधन या संस्था का आविष्कार किया। इस साधन या संस्था को ही विद्यालय स्कूल कहा जाता है। यद्यपि विभिन्न शिक्षा दार्शनिकों ने विद्यालय के स्वरूप पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश डाले हैं, लेकिन विद्यालय की यही सामान्य अवधारणा है, जिसे सभी शिक्षा शास्त्री तथा शिक्षक स्वीकार करते हैं।